दिनों से छुपा हुआ चांद आज आखिरकार बादलों से बाहर निकल आया है और अब वो खूब सारी नूर बिखेरने के मूड में है। में नए किरदार में जुदा जुदा सी जानी पहचानी ये वही पम्मी है जो देश में निकला होगा चांद के देव की दीवानी हुआ करती थी, उसके प्यार को पाने के लिए कई सारे जतन किया करती थी। जाना पहचाना सा ये चांद अब फिर से नजर आने वाला है और इस बार ये चांद पम्मी बनकर नहीं बल्कि सांची बनकर। सालों बाद मैं वापस एक प्रॉपर डेली सोप कर रही हूँ, तुमने इस तरह से शूटिंग की है तो नया एक्सपीरियंस नहीं है, पर दोबारा इस तरह से एक्सपीरियंस लेके अच्छा लगा। संगीता घोष के इस नए शो का नाम जी ले जरा रखा गया है और इस बार वो एक मैच्योर लव स्टोरी में नजर आने वाली हैं। साची का किरदार निभाने वाली संगीता इस बार अपने से छोटे उम्र के किसी शख्स से दिल मिलाएंगी। साची का किरदार एक इंडिपेंडेंट लड़की का है जो एक डेयरी फार्म चलाती है और अपने इस डेयरी फार्म में काम करने वाले हर किसी का खूब ख्याल रखती है। वो साची का जो कैरेक्टर है, जिस हिसाब से वो आज की लड़की है, घर का भी ख्याल रखती है, बाहर का भी ख्याल रखती है और लाइफ में खुश भी है, ऐसा नहीं है कि बोझ तले दबी जा रही है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिससे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकी और व्हाई नॉट। शादी के बाद संगीता अपने कमबैक से काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। असल जिंदगी में संगीता एक राजकुमारी हैं। राजस्थान में संगीता को रानी सा के नाम से बुलाया जाता है। रियल लाइफ में रानी बन चुकी संगीता सोनी के इस नए शो जीले जरा में कितना राज करेंगी ये जल्द ही पता चल जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।